हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज आपको मैं फिर से दिखाने जा रहा हूं अपने कस्टमाइज इंडिकेटर टूल के अंदर कि किस तरह से हम अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉजिक बना करके उसको किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखें। ये वाला वीडियो मैंने रिसेंट में पोस्ट किया था 4 डेज पहले। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से टूल वर्क करता है। तो मैं आज आपको लाइव पेपर ट्रेडिंग फिर से दिखाने जा रहा हूँ, लाइव डेमोस्ट्रेशन 3 डिफरेंट लॉजिक का कि किस तरह से हम अगर आप अच्छे से किसी भी लॉजिक को बनाते हैं तो वो किस तरह से अच्छे से आपको रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये मेरा कस्टमाइज इंडिकेटर टूल है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, दो दो हाइकेनेशी आप यहाँ पर सुपर ट्रेन लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इससे एंट्री कराना चाहते हैं, इससे एग्जिट कराना चाहते हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे कुछ भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है वो आप यहाँ ले सकते हैं। और उसके अलावा हम प्रीमियम, हमको एटीएम प्रीमियम लेना है, एटीएम ओटीएम लेना है या फिर प्रीमियम बेस स्ट्राइक प्राइस लेना है तो वो भी हम यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रेल कराना चाहते हैं वो भी ट्रेल भी करा सकते हैं, एसएल को ट्रेल करा सकते हैं। पार्शियली प्रॉफिट बुक कराना चाहते हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। रिट्रेसमेंट कराना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप एक्सपोनेंशियली लॉट को बढ़ाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं आपको अभी लाइव पेपर ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ। अब ये 3 डिफरेंट लॉजिक मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। लॉजिक उसके अंदर मैं लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि लॉजिक जो है यूज़र को खुद डिसाइड कर सकता है कि यूज़र किस तरह से हम अपना लॉजिक लगा करके किस तरह से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैं आपको 3 डिफरेंट लॉजिक यहाँ पे लगाऊंगा और तीनों का आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा किस तरह से वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये काफ़ी पावरफुल टूल है। अगर आप अच्छे से स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखते हैं, इंडिकेटर का नॉलेज रखते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है लाइव पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप किसी भी चीज़ को रियल करने से पहले हम लाइव पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं ताकि हम क्रॉस हम वेरीफाई करें कि वाकई में जो लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर आपको सही लगता है तभी हम उसको लाइव करें, अदरवाइज़ हम तब तक उसमें पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से मैं 3 डिफरेंट लॉजिक का आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ। आइए हम देख आपको दिखाने जा रहा हूँ लाइव डेमोस्ट्रेशन। तो लाइव डेमोस्ट्रेशन आप देखेंगे यहाँ पे, फिर से मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, मैंने 3 स्ट्रेटजी एक साथ में पोस्ट कर रहा हूँ सेम टूल के अंदर। ये इंडिकेटर बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग टूल है जिसके अंदर एक लोड, देखो आप एक लोड से हमने स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी प्रीमियम रेंज हमने सिलेक्शन कर ली 100 to 140। आज एक्सपायरी बैंक निफ्टी का, उसके बाद भी हम करंट एक्सपायरी में ही ट्रेड कर रहे हैं और ऑप्शन बाय कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने अल्टरनेट मल्टीपल का ऑप्शन इस्तेमाल किया है। ये देखो सेकेंड हमारा टूल है। ठीक है, सेम इंडिकेटर टूल है बट हमने 3 डिफरेंट लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, पहला दूसरा और तीसरा है। तीनों लॉजिक के अंदर सभी हमने 2 मिनट टाइम फ्रेम लिया है, एक लोड से स्टार्ट किया है, अल्टरनेट मल्टीपल को इस्तेमाल किया है और सेम आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की और आज उसके बाद एक्सपायरी होने के बावजूद भी हम करंट एक्सपायरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए 11:40 का टाइम हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा किस तरह से जो है ये देखिए हमने स्टार्ट किया था, सभी तीनों टूल को हमने एक साथ स्टार्ट किया था, 9:17 पर तीनों स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और 2 मिनट का टाइम फ्रेम सभी में हमने लिया था। आप देख सकते हैं अब ये लगभग 12:42 का टाइम हो गया है और अभी हमारा तीनों, देखो पहले लॉजिक में 4600, दूसरे लॉजिक के अंदर लगभग हमको 12,000 टच कर गया हमारा, और अब हम थर्ड लॉजिक देखते हैं, थर्ड लॉजिक के अंदर हमारा लगभग 5000 के आसपास चल रहा है। 3 डिफरेंट लॉजिक हम लगाए हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैंने लॉजिक एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आपको अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 149 का टाइम हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले लॉजिक हमारा 5800 पर आ चुका है, 1000 से लॉक कर लिया है। सेकेंड लॉजिक अभी भी 12600 के आसपास ही है। ठीक है, और आप देखेंगे थर्ड जो है हमारा लगभग 7500 के आसपास हमारा चल रहा है। ठीक है, तो तीनों लॉजिक अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉजिक बना सकते हैं। लगभग 2:54 का टाइम हो चुका है, पहला लॉजिक भी अच्छे खासा तरीके से यहाँ पे 9000 के आसपास का MTM रीच कर चुका है। ठीक है, सेकेंड लॉजिक हमारा देखिए आप 20000 का हमारा MTM रीच कर चुका है। ठीक है, ऑप्शन बाय कर रहे हैं हम यहाँ पर, और थर्ड लॉजिक हमारा 14500 के आसपास का MTM यहाँ पर हमारा रन कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पर ऑप्शन बाय का लॉजिक लगाया है और यहाँ पे कस्टमाइज इंडिकेटर टूल है, हम अपना मर्जी से जो हमारा लॉजिक है वो हम लगा सकते हैं और उसी को ये ऑटोमेट कर रहा है। तो लगभग देखिए अब यहाँ पर जो है तीनों लगभग 3 बजे का टाइम हो रहा है,
तो अब यहाँ पर हम जो है इसको तीनों को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, तीनों को क्लोज कर दिया है हमने। ये देखो तीनों को हमने मेनुअली क्लोज कर दिया है। तो ये मेनुअली जो है यहाँ पर पहले को, ये सेकंड को भी हमने मेनुअली क्लोज कर दिया है। तो हम अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉजिक यहाँ पर इस टूल के अंदर हम लगा सकते हैं, और अपनी मर्जी से जो भी लॉजिक लगाएंगे वो उसको ये टूल क्या करेगा, ऑटोमेट करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।